अगली खबर आ रही है गया से, जहां स्थानीय नगर निकाय चुनाव के नगर निगम के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार में तेजी से लाकर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए तत्पर हैं। सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कोई जनसंपर्क कर रहा है तो कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। सभी प्रत्याशी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कोई विकास के नाम पर तो कोई पार्टी के नाम पर अपनी नैया पार लगाने की जुगत में लगे हैं। सबका ध्यान केवल नगर निगम के प्रथम नागरिक बनने के लिए तैयार है। जनता खामोश है। अब देखना है कौन बनेगा महापौर, किसके सर सजेगा ताज। 30 दिसंबर को ही अब खुलेगा इसका राज। अपना परिचय देता हूँ, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा और पप्पू भैया, वार्ड नंबर 49 का स्थायी निवासी हूँ। और हमारे जो प्रत्याशी हैं बीना कुमारी, चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप क्रमांक नंबर 3। हम जात पात से हटकर हम जमात के साथ और जमात का सहयोग से ही हम आज हम इस वार्ड नंबर 49 का हम अपना प्रत्याशी, ये जमात का प्रत्याशी है, ये मेरा प्रत्याशी नहीं है। और जो समस्या हमारे वार्ड में, जो हम लोग, हमारी जमात जो घूम घूम के देख रही है, वो समस्या से अवगत होकर हम विकास के लिए ही इस मैदान में आए हैं, ताकि जो गरीबों का, जो वंचित गरीब परिवार है, जिसको जो योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उस लाभ को पहुंचाने के लिए हमने एक शिक्षित पढ़ी लिखी कर्मठ युवा प्रत्याशी को मैदान में लाए हैं। और ये हम नहीं, ये हमारी जमात का ही उद्देश्य है कि ऐसा प्रत्याशी लाएं, और ये हम इस पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। मानपुर के समाज के, सारे समाज के लोग इनको इसलिए दे रहे हैं ना, कि ये शिक्षित युवा उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं। हालांकि इसके पहले भी तो महिला उम्मीदवार हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। इसके कारण हमारे समाज का, हमारे गांव मोहल्ले गली का विकास नहीं हो पा रहा है। ऑफिस में जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने एक शिक्षित महिला उम्मीदवार को इसलिए मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, जिताने की कोशिश करूँगा, ये ऑफिस में जाएँ, बढ़िया से बिहेव करें और जनता का पूरे तन मन धन से सहयोग करें, घर घर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बुनकर परिवार एवं पटवा समाज के अध्यक्ष के नाते हम सबों के कल बैठक हुई थी, और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पटवा समाज एवं बुनकर परिवार पूरे 100% वोट डॉक्टर सेवदेव सवानी जी को वोट छाप कर बटन दबाकर देने का काम करेगी। 100% समर्थन करने की घोषणा बैठक में लिया गया है निर्णय, और सबों ने किसके बैठे अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे साथ महिला शक्ति हैं। मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि गया नगर निगम के अंदर में, जहां पे पूरे गया जिला के कोने कोने से गया शहर में मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, चूँकि गया शहर जो है एक मार्केटिंग का हब है, लेकिन महिलाओं के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की शौचालय नहीं है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो शिशु लेकर महिलाएं आती है, उसे स्तनपान कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा प्राथमिकता होगा कि जिस प्रकार हमारे साथ महिलाएं साथ चल रही हैं, इन महिलाओं को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से इन महिलाओं के लिए मैं जगह जगह पर शौचालय, जगह जगह पर स्तनपान कराने के लिए और जगह जगह पर चेंजिंग रूम बनाने का काम करूँगा। बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई है। सरकार तरफ से बहुत से फंड आते हैं, पर गरीबों तक नहीं पहुँचती है। मेरा लक्ष्य है कि वो सब गरीबों को मैं दुख दूर करूं, मगर बस मेरा यही प्रणय है और यही मैं चाहती हूं कि सबको समस्या का हल हो। नहीं, आज हम अपने समर्थकों के साथ घूम रहे थे, तो एक तरह से वार्ड नंबर 47 में जन सैलाब हमारे प्रत्याशी के लिए उमड़ा। इससे जाहिर होता है कि हमारे प्रत्याशी के पीछे चुनाव में कोई नहीं रह गया है। हम यहाँ से वार्ड नंबर 47 से, जो हमारे चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती छाप, हमारे प्रत्याशी कुमारी सुशीला
जिनको यहाँ पे भारी समर्थक के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छे वोट से यहाँ पे के जनता ने जिताने का काम करेंगे। कितना वोट से जीते हम यहाँ पे लमसम 2000 वोट से जीत रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने हमारे जन समर्थन को देख रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं कि इनका क्या मूवमेंट है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अब हमारे पीछे कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। अच्छा, आप जीतेंगे तो किस तरह के विकास करेंगे अपने वार्ड में? हम अपने वार्ड में भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे, चाहे वो कॉलोनी का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, हम तमाम तरह का काम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आशीर्वाद प्राप्त है और पूर्व सीएम नीता रामान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हम तमाम तरह का फंड यहाँ पर उतारने का काम करेंगे। हम न भी जीते हुए थे, इससे पूर्व में भी माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के द्वारा यहाँ पर विकास का काम बहुत किया गया है। जो यहाँ पर जीते हुए प्रत्याशी था उससे अनेकों गुना यहाँ पर काम किया गया है। और पूरे समाज के लोग, चाहे जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, सारे लोग भेदभाव से ऊपर उठ करके रामदेव पासवान का समर्थन कर रहा है मेयर बनाने के लिए। जैसा तिरपनों वार्ड में जनसंपर्क आप जब कर रहे हैं तो क्या स्थिति लग रही है? नगर निगम कैसे बदला जा सकता है? क्या क्या योजनाएं आपके अंतर्गत है जो धरातल पर ला सकते हैं आप जब मेयर पद पर आएंगे? तो जो हम संकल्प लिए हैं कि चुनाव जीतने के बाद एक बुद्धिजीवी का एक कमेटी होगा और उस कमेटी जो निर्णय करेगा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे जल की समस्या हो, रोड की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सारे समस्याओं पर चर्चा करने के बाद ही बोर्ड में उसको पारित किया जाएगा।